कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर नागपुर होते हुए श्रद्धांजलि कलश दिल्ली की ओर रवाना हुआ। नागपुर के बड़े रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही महापौर दयाशंकर तिवारी इन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मेरे इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट नागपुर के बड़ी रेलवे स्टेशन से, आइए देखते हैं। इस दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी है, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयान से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठी इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाकों पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। भारत ने कारगिल युद्ध जीता। कारगिल युद्ध में भारत ने जीत का परचम लहराया था। सिटीजन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि कलश निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन से राजस्थान बैंगलोर से रवाना होकर नागपुर के बर्डी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ पहुंची। नागपुर के रेलवे स्टेशन पर ठीक 2:30 बजे ट्रेन पहुंचते ही कलश के दर्शन कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करने नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी पहुंचे। दयाशंकर तिवारी इन्होंने कलश के दर्शन लिए। कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि कलश दिल्ली लेकर जाने वाले कैप्टन SC भंडारी इन्होंने महाराष्ट्र के जाबाज जवानों की शौर्य की तारीफ करते हुए राष्ट्र के शहीदों का बलिदान कभी नहीं भूल सकने ऐसा कहा। पर इसमें ये सिर्फ कलश के अंदर सिर्फ नदियों का पानी है, कलश के स्थान पर हमें परमिशन नहीं मिलती, नदियों का पानी है। और इसके अंदर जो हमारे कारगिल युद्ध में जो 542 जी जो हमारे शहीद हुए थे, उनके समाधि में उनको याद करने के लिए, देश भावना बढ़ाने के लिए, बच्चों में देश प्रेम जगाने के लिए और शहीदों को पूरा देश उनके साथ में कहने के लिए ये लेते हैं। की टीम है सर, यहाँ से 9 डेलीगेशन मेंबर है और हमारे कारगिल की बेटी भी साथ में। जय हिंद सर। महाराष्ट्र की जनता को मैं मैसेज देता हूँ कि कम से कम एक परिवार से, बड़े परिवार से कम से एक सैनिक अंदर जोड़े और देश की सेवा करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नागपुर के रेलवे स्टेशन पर श्रद्धांजलि कलश का दर्शन करने आए महापौर दयाशंकर तिवारी इन्होंने बताया कि 21 अलग प्रांत की नदियों का पानी और 21 प्रांत की पंखुड़ियां विद्यार्थियों द्वारा इस कलश में डाली हुई है। BCN समक्ष महापौर इन्होंने जानकारी दी। कारगिल में एक विपरीत वातावरण में जिस प्रकार से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम भारत की सेना ने किया था और बहुत कम समय में विपरीत वातावरण में, जब दुश्मन ऊंचाई पर था और हमें नीचे से ऊपर चढ़ के उनसे युद्ध करना था, उस वातावरण में हमारे सैनिकों ने जो जाबाज तरीके से दुश्मन को परास्त किया, वो सचमुच में विश्व के इतिहास में एक नोंद करने वाली बात है। विश्व हमेशा उस युद्ध को याद रखेगा कि कितने कम समय में हमने उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। लेकिन उस युद्ध में जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को यह देश कभी नहीं भूल सकता। भारत की सीमा पर भारतीय सैनिक अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक करते हैं, तब जाकर के हम चैन की नींद अपने घरों में सो पाते हैं करके। ऐसे समस्त सैनिकों के बलिदान को यह देश कभी भूल नहीं सकता। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आज मुझे 27 पवित्र नदियों का जल आज कारगिल में जहां स्मारक बना है उस स्थान पर भारतीय सेना के द्वारा यात्रा के रूप में ले जाया जा रहा है और उन कलश में अलग अलग प्रांत के विद्यार्थियों ने जो फूल की पंखुड़ियां उन सैनिकों को समर्पित की है, एक एक पंखुड़ी का भी समावेश है। ये सारा कर्नाटक के राज्यपाल की आंखों के सामने यह घटना हुई और वह सारे कलश
आज नागपुर से होकर कारगिल की दिशा में गुजर रहे हैं उस पवित्र नदियों के जल का पूजन करने का और उन शहीदों के पास तक अपने भाव भेजने का सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सेना की उस टीम का जो इसको लेकर के नागपुर से रवाना हुई है, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक अच्छा काम सेना हमेशा ही करती है, लेकिन इस बहाने आज वे नागपुर आए तो नागपुर करो के दिल में फिर से वो पुरानी यादें जो कारगिल के युद्ध के समय थे फिर से जिंदा हो गई। शहीदों की शहादत के आधार पर यह राष्ट्र जिंदा है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। मैं पुनः विनम्र अभिवादन करता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने कारगिल में अपना बलिदान किया। वहाँ पर सब एक सवाल ये था कि जिस प्रकार से जो जवान उनकी जो शहादत होते जो शहीद होते हैं मगर उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं सरकार की ओर से न्याय नहीं मिल रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से और तमाम बातों से जो लोग जूझ रहे हैं जो कई दिक्कतों का उनके परिवार को सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में नागपुर के महापौर होने के नाते आज सरकार के ओर से क्या मदद दिलवाने के लिए तैयार हो? मुझे लगता है कि कारगिल की शहादत में जितने शहीद हुए उन सभी को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने यथा योग्य जो मदद होनी चाहिए थी पूरी मदद की है। कारगिल के शहादत का कोई भी रणबांकुरा इनसे अछूता नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके ध्यान में है जो सेना का जिस सेना में जिसकी शहादत हुई है और उसको न्याय नहीं मिला है, मैं व्यक्तिगत तौर पर जो भी एक महापौर की हैसियत से उस बात के लिए कर सकता हूँ मैं पूरा प्रयास करूँगा। नागपुर में हमारे माननीय सम्माननीय नितिन जी गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके संज्ञान में यह बात ला करके तुरंत उसका निराकरण करने का विश्वास दिलाता हूँ। तो आप तो नागपुर के महापौर जयशंकर जी तिवारी जिन्होंने बखूबी और गौरव के साथ बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से अगर कई शहीदों को बलिदान होता है और उन्हें न्याय नहीं मिलता उनके परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो नागपुर के महापौर होने की हैसियत से वे जरूर सरकार को उनकी जो दिक्कतें सामने आए वे तमाम बातें सरकार के ध्यान पर लाने का पूरा पूरा कोशिश करने वाले हैं, ऐसा महापौर जयशंकर तिवारी उन्होंने कहा है। और नागपुर के प्लेटफॉर्म नंबर एक से ये ट्रेन अभी अभी रवाना हुई है और जो पूरा देश उन शहीदों की शहादतों को नमन करते हुए नजर आ रहा है। नागपुर के प्लेटफॉर्म नंबर एक से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरा, बीसी न्यूज़ नागपुर।